नमस्कार साथियों, मैं हरपाल दादरवाल। साथियों, उम्मीद करता हूं आप सभी प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आज फेसबुक लाइव के माध्यम से मैं आप से दो विषयों पर वार्तालाप करने के लिए उपस्थित हुआ हूं, आपसे जुड़ा हूं। सबसे जो यक्ष प्रश्न वर्तमान में लगभग महासंघ के पदाधिकारी और महासंघ के ऑफिशियल नंबर पे भी लगातार फोन कॉल्स आ रहे हैं कि वरिष्ठ अध्यापकों की तबादला सूची कब जारी होगी, मैं उस विषय पर पहले बात करूंगा। साथियों, वरिष्ठ अध्यापकों, हमने बहुत लंबा संघर्ष किया है और उस संघर्ष का परिणाम केवल वरिष्ठ अध्यापकों का तबादला सूची के लिए आवेदन लेना, वो हमारी आंशिक जीत थी। वास्तव में ही वरिष्ठ अध्यापकों के लिए जो आंदोलन लगातार हमने लड़ा, उसकी सही मायनों में जीत जिस दिन तबादला सूची जारी होगी उसी दिन होगी। मैं आपसे पूर्ण विश्वास के साथ ये कहना चाहता हूं कि वरिष्ठ अध्यापकों की तबादला सूची आएगी, आएगी और आएगी। यदि तबादलों पर प्रतिबंध हटने तक तबादला सूची वरिष्ठ अध्यापकों की नहीं आती है या हमारे साथ में फिर से यदि ऐसा सरकार धोखा करती है तो ये हरपाल दादरवाल भी कहीं नहीं गया, महासंघ भी कहीं नहीं गया। उसी दिन मैं वापस आमरण अनशन पे बैठ जाऊंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मेरे वरिष्ठ अध्यापकों, आपके तबादला सूची जारी करवाना मेरी प्राथमिकता थी, है और रहेगी। अभी फेसबुक लाइव समाप्त होने के बाद में मैं बीकानेर के लिए निकल रहा हूं। कल सुबह निदेशालय जाकर वरिष्ठ अध्यापकों के तबादलों की जो भी प्रक्रिया चल रही है उस संपूर्ण प्रक्रिया का ब्यौरा लेकर कल एक बार फिर आपके बीच में लाइव आकर संपूर्ण जो साझा कर दूंगा, जो भी बात है। आप बिल्कुल भी भ्रमित न हो, ये कुछ तथाकथित शिक्षक संगठन बौखलाए हुए हैं। ये जब से शिक्षक महासंघ द्वारा ग्रेड थर्ड के शिक्षकों की तबादलों की बात की जा रही है, ये वरिष्ठ अध्यापकों के तबादलों की लिस्टों के नाम पर या अन्य नाम पर महासंघ के पदाधिकारियों को घेरने में लगे हुए हैं कि पहले वरिष्ठ अध्यापकों की लिस्ट तो निकलवा लें। और मैं उन वरिष्ठ अध्यापकों से भी कहना चाहूंगा जो व्हाट्सएप ग्रुप में लगातार बिना सोचे समझे कमेंट्स करते रहते हैं कि हरपाल दादरवाल पहले वरिष्ठ अध्यापकों की लिस्ट तो निकला लें। मैं आपसे कह रहा हूं, आप किसी के बहकावे में ना आए, आप स्वयं शिक्षक हैं, शिक्षक की मर्यादा में रहते हुए सोचें कि आपसे आवेदन ले लिए हैं, तबादलों पर प्रतिबंध 14 तारीख तक खुला हुआ है, 14 तारीख तक यदि आपकी तबादला लिस्ट नहीं आती है तो फिर से पुनः मैं आपसे कह रहा हूं, वरिष्ठ अध्यापकों की तबादलों की मांग को लेकर उसी दिन मैं हरपाल दादरवाल वापस आमरण अनशन पे बैठूंगा। जो मैं कहता हूं, जो महासंघ कहता है वो करता है। तो आप इन तथाकथित शिक्षक संघों के बहकावे में ना आए, क्योंकि ये डरे हुए हैं, बौखलाहट में हैं कि थर्ड ग्रेड के ट्रांसफर की मांग भी महासंघ उसी जोर शोर से, उसी जोश और ऊर्जा के साथ में, या यूं कहूं कि वरिष्ठ अध्यापकों से दुगनी जोश और ऊर्जा के साथ में ये आवाज बुलंदी छू रही है। और 1 अगस्त को महापड़ाव का जो आज प्रेस नोट जारी किया है, आपके पास में यदि वो प्रेस नोट पहुंच गया हो तो उसमें ध्यान से पढ़े। हमारे मीडिया प्रभारी श्री सुनील मेहरा जी ने वरिष्ठ अध्यापकों की तबादलों की मांग उसी में भी की है। कल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया में काफी आपको खबरें देखने को मिल जाएंगी। और यदि आपको फिर भी विश्वास नहीं है तो उसका मेरे पास में कोई इलाज नहीं है। जितना वरिष्ठ अध्यापकों के तबादलों को लेकर संघर्ष करना चाहिए था
वो किया कर रहे हैं कल निदेशालय से और जानकारी जुटाकर आप तक पहुंचा दी जाएगी। लेकिन आप किसी के दिशा निर्देशों पर, किसी के कहने मात्र से और शिक्षक संघों की जंजीरों में जकड़े होने के कारण आप जो अंडरगलल जो आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, आप समझदार हैं, ऐसा ना करें। आपसे मेरा विशेष अनुरोध है, विशेष तौर से मेरे वरिष्ठ अध्यापकों से अनुरोध है, क्योंकि जब आप ऐसा कमेंट्स करते हैं तो दिल दुखता है कि आपने पूरी की पूरी 6 से 7 महीने का जो आपके लिए परिश्रम किया, वो एक तरह से लगता है कि इनको ये केवल और केवल आप अपनी बुद्धि का थोड़ा सा प्रयोग करें और 1 अगस्त को जयपुर में महापड़ाव में आप भी शामिल हो। प्रेस नोट में भी हमने वरिष्ठ अध्यापकों को साथ रखा है, आगे भी रखेंगे। 1 अगस्त को जो ग्रेड 3 के तबादला खुलवाने के लिए जो राजधानी जयपुर में महापड़ाव किया जा रहा है, प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आप तक लगातार सूचनाएं जा रही हैं, सभी शिक्षक संगठनों से आह्वान किया जा चुका है। मैंने व्यक्तिगत दूरभाष और व्हाट्सएप के माध्यम से समस्त शिक्षक संगठनों को, जहां तक मेरी जानकारी है कि थोड़ा बहुत धरातल पे उनका है या वो रसीदे काटते हैं तो शिक्षक उनसे जुड़े हुए हैं, उन तक मैंने व्यक्तिगत दूरभाष से वार्तालाप कर ली है या उनको व्हाट्सएप पे संदेश पहुंचा दिया गया है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि एक भी शिक्षक संगठन ने अभी तक खुलकर ग्रेड 3 के ट्रांसफर को लेकर महापड़ाव में शामिल होने की घोषणा नहीं की। केवल राजस्थान पुस्तकालय संघ के प्रदेश अध्यक्ष कमल जी व उनके महामंत्री का जरूर मेरे पास में दूरभाष के माध्यम से संपर्क हुआ। इसके अलावा राजस्थान शिक्षक संघ युवा के आरसी जाखड़ ने व्हाट्सएप पे रिप्लाई के रूप में जरूर लिखा है कि जरूर आएंगे भाई। इसके अलावा राजस्थान शिक्षक संघ सूरजमल के प्रदेश अध्यक्ष अक्षय जी से मेरी वार्तालाप हुई है, उन्होंने भी सोच विचार कर आने का कहा है। प्रगतिशील से भी मेरी बात हुई है और भी अनेक प्रकार के सभी लगभग जितने संगठन हैं उनसे मेरी भी बात हुई है। लेकिन साथियों, मैं लगातार आपसे अनुरोध कर रहा हूं ग्रेड 3 के साथियों, क्योंकि वरिष्ठ अध्यापकों से मैंने कह दिया जो कहना था कि ये मांग आपकी है, आपके साथ में जो अन्याय हो रहा है उसके जिम्मेदार आप स्वयं हैं, क्योंकि आप इन शिक्षक संगठनों के जंजीरों में जकड़े हुए हैं। क्या साथियों, यदि कोई राजस्थान एकीकृत शिक्षक महासंघ का सदस्य है, हमने तो सदस्यता अभियान लगभग आज से चलाया है, इससे पहले हमारा कोई सदस्यता अभियान था, लेकिन तो क्या राजस्थान शिक्षक संघ युवा के से जुड़े हुए वरिष्ठ और तृतीय श्रेणी के शिक्षकों को ट्रांसफर नहीं चाहिए? क्या ये जो रसीद कटवा रहे हैं राष्ट्रीय सियाराम, जो भी ये सूचनाएं आ रही है कि स्कूलों में आकर ये रसीदे काट रहे हैं, मैं उनसे ज्यादा जिम्मेदार आपको मानता हूं, क्योंकि आप उनसे रसीद काटने से पहले पूछते कि आपने ग्रेड 3 के ट्रांसफर के लिए क्या कार्य योजना बनाई है। वो लगातार अभी भी आपके स्कूलों में दस्तक दे रहे हैं, जिस प्रकार से मैंने सभी शिक्षक संगठनों से आह्वान किया है।